हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना ब्रेन लाइफस्टाइल। तो वीडियो मतलब दिवाली हो चुकी है, भैया दूज आ चुका है और ये भैया दूज की वीडियो है। उससे पहले दिन की वीडियो है और मैं जा रही थी शॉपिंग के लिए बुबू को सुबह रेडी करने के बाद। तो शाम को हम गए पहले तो मार्केट, तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ बुबू और मैं। नाखून में लग गया है ना कुछ? खड़े खड़े हो, तो मैं कहूँगा आपको डर लग रहा है। ये दर्द हो रहा है? कैसे दर्द हो रहा है भाई? दर्द नहीं, खड़े हो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। फिर कैसे 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 ऐसे? ये कोई काम नहीं ला। बाबू पहन ले, मैं पहनाऊंगा नहीं, समझा कि नहीं? तू उसका फेस वॉश तो करा दूंगा। अरे यार पहले पहन तो लगा लू। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो बताओ? नीचे रुक जाओ, पहन तो लगा लू, पहन लो उसके बाद जाओ नीचे। आप क्या कर दूँ ऐसे आपको? दीदी चिल्ला रहा है क्या यार? इधर आप खड़े गुड बॉय। गंदी बात ऐसे निकालो, नहीं निकालो, फोन से निकालो फिंगर। आ बैठो, अब आप आराम से बैठ जाओ, चल रहे हो ठीक है? पहले किच्ची करो, तभी हमारे पास सब चमका दूंगा। किच्ची करो पहले, कर रहे हो कि नहीं? हाथ में किसी किया है? मजा आ गया। नोटी पे भाई सब कुछ सिखा दे इसको। मुंह साफ कर दूं ना, फेस क्लीन करो। फेस क्लीन कर लेंगे तभी तो हम जाएंगे बाजार में। सीधा हो जा, गुड बॉय गुड बॉय। चल खड़े हो, सीधे चल। लो हाथ दिखाओ अपना, हाथ भी तो क्लीन कर लेंगे एकदम। लालू के एकदम बढ़िया हो जाएगा। नी आ रही है, चलो रेडी हो गए हैं हम लोग, चलेंगे मार्केट। चलो भैया शॉपिंग चलो। मम्मी मम्मी कुछ भी पापा तुमको ही मार दी क्या? काम कर रही थी ना। पकड़ो पकड़ो, अभी रुको ना, पकड़ तो कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम मार्केट पहुँच गए, थोड़ी शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग क्या मतलब, भैया दूज है तो इसलिए सामान लेना था। थोड़े बहुत कपड़े लिए हमने और जो मतलब कपड़े देने थे, और ये मैंने सूट लिया एक अपने लिए। मैंने शॉपिंग करी वही, और शॉपिंग करने के बाद फिर हम लोग घर पहुँच गए फाइनली। ये देखिए मैं, और यहाँ पे गोला लिया हमने, जो हमारे में नारियल में नारियल और टीका लगाते हैं और मिश्री देते हैं। मतलब हमारे सब में ही देते हैं, मोस्टली लोगों में सभी ऐसे ही करते हैं। कुछ लोग जटा वाला लेते हैं, हम लोग ऐसे लेते हैं सूखा नारियल, जो मतलब टीका लगा के उसमें देते हैं। तो मेरे हमारे मतलब अंकित है, मासी का लड़का है, भाई के लिए मैंने लिया और बेबी के लिए, बाबू के लिए भी लिया। अभी हम घर पहुँच चुके हैं। पापा को पिलाओ। बुबू शेम चेम हो जाएगी। ये गया, मैंने कर रखा है ठीक ठाक। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
पहले आप पापा पहना देना आपको, नहीं तो ठंडी लग जाएगी, नीचे चूहा खा जाएगा आपको। आराम से शेम शेम कल पहन लेना, ठीक है कल पहन के चलना। नौटंकी देख रहे, नौटंकी तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बूबू मतलब दूसरे दिन हम लोग रेडी हो रहे थे, सामान रात को हम लेके आ ही गए थे, तो रात यहाँ पे बूबू और मैं और ये मतलब ये बूबू के पापा, हम तीनों लोग जा रहे थे घर मतलब मम्मी के घर अपने। वहाँ पे आप लोगों को नई चीज़ बताने की चलेगी, अब हम नए घर जाने वाले हैं। नए घर क्या मतलब शिफ्ट हो चुका है, पर मैं नहीं जा पाई थी अभी तक, तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं अपने घर जाऊँगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि पापा का नया घर कैसा है और कितना है, मतलब हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे नए घर के लिए, तो आपको देखना आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं और बूबू रेडी हो रहे थे और उसकी दादी आई थी, मतलब सासू माँ यहाँ पे बूबू को रेडी कर रही थी और ये भी रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो रही थी। थोड़ा सा मतलब भैया दूर जाएगा तो थोड़ा सामान भी ले जाना था, और मुझे इस बार थोड़े दिन के लिए रुक के रहना है वहाँ पे मम्मी के घर पे, क्योंकि ये तो चले जाएंगे हम लोगों को छोड़ के, इनको मतलब ड्यूटी जाना है तो ये इलाहाबाद चले जाएंगे वापस, और हम लोग यहाँ पे इसलिए इस बार सोचा इन्होंने कि मैं साथ में चल लेता हूँ, तुम लोगों को छोड़ के आ जाता हूँ, क्योंकि हर बार मैं अकेले आती हूँ ना कुछ सामान रह ही जाता है मेरा, कभी मम्मी के यहाँ रह जाता है, जल्दबाजी होती है और बच्चे के साथ तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे बूबू रेडी हो गया था, उसकी दादी रेडी कर दी, वो थोड़ा सा ना परेशान करता है, वो सबसे तैयार नहीं रेडी नहीं होता है, तो मैं को ही लास्ट में करना पड़ता है। और यार बूबू के पापा मतलब अपने पापा से रेडी हो जाता है जल्दी से, वो उनको कम परेशान करता है, मुझे थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। घर में सब लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग जल्दी आएँ, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मम्मी लोग का सामान भी सेटिंग हो रहा है। मम्मी ने ही बोला था मुझे कि तुम बाद में आना, क्योंकि सामान हम सेट कर देंगे नए घर में, तब उसके बाद आना, क्योंकि तुम लोग परेशान हो जाओगे, नहीं तो बच्चा है छोटा। तो यहाँ पे जूते मम्मा मतलब दादी पहना रही थी, तो बुबू नहीं पहन रहा था उनसे, तो मैं पहनाने लगी थी कि लाओ मैं जल्दी पहना देती हूँ। और यहाँ पे मेरे रूम में ना थोड़ा सा सामान रख रहा, सामान क्या एक दिन पहले ना मैं नमकीन उमकिन लेके आई थी, तो मैंने मम्मी को दे दिया कि मम्मी आप मेरे पास रख लो ये लेना खा लेना। और फिर बुबू को हम लोग क्योंकि हम लोग निकल भी रहे थे वहाँ से। और यहाँ पे ना वही है ना, मेरे रूम में ना थोड़े से जो मतलब रूम जब मैं वो करके जाती हूँ ना, साफ़ सफाई नहीं हो पाती ना, तो रूम जल्दी गंदा हो जाता है, इससे सारा सामान मैं मोस्टली ना कोशिश करती हूँ पैक करके ही जाऊँ। और घर में वहाँ पे सब बंद बताया ना कि वेट कर रहे थे, तो मेरे को जल्दी जल्दी भी था और इनका दूसरे दिन जाना है, तो इसलिए ना सारा सामान इनका भी मैंने निकाला टाइम से ना कि सेट रहेगा, ये भी जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना कि मेरे पीछे से जा रहे हैं तो प्रॉब्लम ना हो। सारा सामान मैंने सेट कर रखा था इनका कि पैक वैक कर दिया था पहले ही, फिर हम निकलने लगे थे घर के लिए यहाँ से। यहाँ पे मम्मी कुछ बोल रही थी मुझे कि हाँ ये है मतलब ऐसे करना या वैसे करना जैसे भी, तो वो समझा रही थी कुछ बता रही थी मेरे को, मैं ठीक है मम्मी। फिर उसके बाद मम्मी को मैंने बोला चलो नीचे चलो बूबू को लेके जाओ और एक बार मत्था टिका दो, तो मम्मी बोल रही कि ठीक है, मगर ये बूबू गया ही नहीं मम्मी के साथ, तो फिर मेरे को ही लेके जाना पड़ा लास्ट में, मैं ही इसको गोद में लेके गई थी अपने। वो गुस्सा कर रहे थे, कैब नीचे आ चुकी थी। मम्मा मम्मा वो कर रही है ना, मम्मा ताला लगा लेना। हाँ चलो चलो मम्मा जाएगी।
चलो मम्मा आ रही। अरे चलो मम्मा आ रही ताला लगा के। चलो मामा कले पापा कले से। पन्नी एक पन्नी होगी नीचे बाबू के जूते वो रखने के लिए चप्पल। आओ जल्दी चेक करो दादी को बुलाओ पैर से। बाबू जल्दी आया। हाँ हाँ बाबू पापा उनकी गलियां ठीक कहीं दारू कहीं कहाँ गए बाबू आने बात कर चला जाता हाँ। पापा वो पापा जाते हैं चला चलो चलो बाय कर दो बुआ को भी। गाय आ रही है मम्मा की गोदी चलो गाय देख लेना चलो चलो मम्मा है ना चलो गाय है पकड़े जाओ गाय गाय बोलो है वहाँ पे भी है गाय वहाँ पे भी आती है बस थोड़ा दूर रहना भैया देखो मेरे बाबू जय कर रहा है भागना मत आराम से पापा धीरे 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 गंदा अपने आप जब तक करता नहीं था तो मजा नहीं आता इसको गिर के गाड़ी आ गया चले बाबू कार आई गाड़ी आ गया ओ तो चलो बाय 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 आ जाओ चलो जल्दी आ जाया। हाँ 4989 गाइस बाय फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड प्रेस करें। तो यहाँ मैं घर से निकल चुकी हूँ और हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर और यहाँ पे हम दौलत कुआँ पहुँचे। नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे कि मम्मी का घर मतलब कैसा है कैसा नहीं है घर बढ़िया दौलत कुआँ आएंगे। मैं चलो कौन से पास लगा दिल्ली जाएंगे आप जल्दी पता है।